ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद जितना पाकिस्तान में मकबूल है इतना ही भारत और बांग्लादेश में भी मकबूल है। इस ड्रामा सीरियल की मकबूलियत का ये आलम है कि इसकी हर किस्त मुख्तलिफ ममालिक में अपलोड होते ही ट्रेंड करने लगती है और लोग सिर्फ शिब्रा और शहमीर की अदाकारी से मोहब्बत करते हैं। शिब्रा और शहमीर के अलावा इस ड्रामा सीरियल में एक किरदार ऐसा भी है जिसने टेलीविजन नाज़रीन को अपनी जानिब सबसे ज्यादा मुतवज्जा किया है, वो है हकीकी फजल बख्श उर्फ भल्ले। ये किरदार सीनियर सिंधी फनकार अली गुलमला ने अदा किया है। अली गुलमला ने एक पॉडकास्ट में सिंध इंडस्ट्री में अपने फनकाराना कैरियर के बारे में बताया। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि इन्हें ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद में किरदार भल्ले कैसे मिला जिसने इन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया में ला खड़ा किया। अली गुलमला ने इंकशाफ किया कि ड्रामा सीरियल में फजल बख्श यानी भल्ले का मुकम्मल किरदार शामिल नहीं था बल्कि फारूक रिंद ने इन्हें एक कहानी का लाजमी हिस्सा बनाया जिस पर मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस किरदार ने इनके कैरियर को चार चांद लगा दिए। अली गुलमला ने बिलाल अब्बास खान के साथ अपने खूबसूरत काम के तजर्बे को भी शेयर किया। इनका कहना था कि बिलाल इतने मकबूल सितारों में से एक है लेकिन उन्होंने मेरे साथ सेट पर बहुत ही अच्छा काम किया, वो कहीं गलती करते हैं तो फौरी सीख भी लेते हैं। अली ने बताया कि बहुत से बड़े सितारे डायलॉग को काटने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो किसी मंजर में खुद को बोलने में गैर महफूज महसूस करते हैं, लेकिन बिलाल ने हमेशा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की।